खबर भोपाल से ही मिल रही है, जहां राजा भोज एयरपोर्ट पर राष्ट्र ध्वज का अपमान के मामले में जो है दो दिन से फटी हुई हालत में यहां पर राष्ट्र ध्वज लहरा रहा था। राजा भोज एयरपोर्ट के अधिकारियों की अनदेखी यहां पर सामने आई है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज एयरपोर्ट पर यह तिरंगा फहराया था। 22 सितंबर 2017 में ये झंडा फहराया गया था, जिसकी जो लंबाई है वो 100 फीट बताई जा रही है। नियमानुसार इस तरह से झंडा फहराना जो है वो दंडनीय अपराध है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर फटी हुई हालत में तिरंगा जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद जब मीडिया में खबरें आने लगी हैं, तो आनन फानन में इस झंडे को बदला गया है। तो खबर भोपाल से, जहां राजा भोज एयरपोर्ट पर राष्ट्र ध्वज का अपमान जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। दो दिन से फटी हुई हालत में ये तिरंगा जो है वो लहरा रहा था, और मीडिया में खबर आने के बाद आनन फानन में इस झंडे को बदला गया है। बता दें कि राजा भोज एयरपोर्ट के अधिकारियों की अनदेखी साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है, कि पिछले दो दिनों से इस तरह से जो तिरंगा है वो फटी हुई हालत में यहां पर लहरा रहा है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज एयरपोर्ट पर 22 सितंबर 2017 में यह झंडा फहराया था, और नियम के अनुसार इस तरह से तिरंगा फहराना दंडनीय अपराध है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तिरंगे का जो एक किनारा है वो फटा हुआ नजर आ रहा है, और इसी हालत में दो दिन से यह तिरंगा फहरा रहा है। शुएब खान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, दो दिन से फटी हुई हालत में ये राष्ट्र ध्वज जो है वो लहरा रहा है, साफ तौर पर राजा भोज एयरपोर्ट के जो अधिकारी उनकी अनदेखी सामने आई है। बिल्कुल रोमिता, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यहाँ पर आज राष्ट्रीय ध्वज का यहाँ पर अपमान देखने को मिला है। दो दिन से राष्ट्रीय ध्वज का एक किनारा वो फटा हुआ था, जिसकी अनदेखी यहाँ पर अधिकारियों द्वारा भी की जा रही थी, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद आनंद फानंद में आज ही यहाँ पर जो तिरंगा है उसको यहाँ पर बदल दिया गया है। जिस तरह से नियम अनुसार अगर हम बात करें तो इस तरह से तिरंगा फहराना जो है वो एक दंडनीय अपराध है, तो क्या जो अधिकारी जिनकी अनदेखी इस पूरे मामले में देखी जा रही है उनको तलब किया गया है? बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में यहाँ पर लिया है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ही 2017 में करीब 100 फीट का यहाँ पर तिरंगा लहराया था, लेकिन दो दिन से जिस तरह से यहाँ पर तिरंगा फटा हुआ था, और किसी तरह की यहाँ पर मामले को संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन मीडिया में जब ये पूरा मामला आया उसके बाद आज आनंद फानंद में ही तिरंगे को बदल दिया गया। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।